हेलो माइनक्राफ्ट लवर्स, स्वागत है तुम लोग का एक और न्यू वीडियो में। सो आज वीडियो में पहले तो मैं तुम लोग को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। तो देखो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कैसे तुम लोग भाई मॉडपैक को इंस्टॉल कर सकते हो अपने पोजाव लॉन्चर पे, वो भी लेटेस्ट तरीके से। यस, तो यू कैन इंस्टॉल मॉडपैक इन पोजाव लॉन्चर विद लेटेस्ट स्टाइल। बट एक दिक्कत है कि भाई जो भाई डायरेक्टली हम लोग इंस्टॉल करते हैं वो सपोर्ट नहीं करने वाला, या तो भाई बहुत कम मॉडपैक सपोर्ट होने वाला है, क्योंकि भाई पोजाव पे सारे मॉड सपोर्ट नहीं होता। ठीक है, ओके, तो इतना भाई शॉर्ट में मैंने समझा दिया है। और मैंने काफी सारे मॉडपैक पहले से बना के रखा है जिनकी प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। ठीक है, ओके, तो अब भाई चलते हैं मेन चीज पे, फिर कैसे हम लोग यहाँ पे मॉडपैक को इंस्टॉल कर सकते हैं न्यू ट्रिक पे। नो प्रॉब्लम, नो झंझट। ओके, तो पहले तो भाई मैं आ चुका हूँ अपने इंटरनल स्टोरेज पे। तो यहाँ पे मुझे आना है और इंटरनल स्टोरेज को ओपन करना है, देन जाना है एंड्रॉयड पे, और एंड्रॉइड खोलने के बाद मुझे जाना है डाटा पे, और मैं इससे काफ़ी स्लो बोलने वाला हूँ। उसके बाद पोजाव लॉन्चर पे एंड देन फाइल्स पे। अब यहाँ पे जाना है मुझे कस्टम, यहाँ पे तुम्हें जो कस्टम वाला फोल्डर दिख रहा है इसको भाई याद रखना, यह आगे जाके काफ़ी काम पे आएगा। सो पहले मैं कस्टम के अंदर आता हूँ, और अब यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर जनरेट करने वाला हूँ, और यहाँ पे जो मॉडपैक मैं बनाने वाला हूँ उसको मैं अभी शेयर नहीं करने वाला, पिन कमेंट पे एक्सप्लेन हो जाएगा, टेंशन मत लो, पिन कमेंट चेक कर लेना। मोड पे जाना है, एक्सट्रैक्ट टू पे जाना है एंड करेंट पाथ। यस, तो ये वाला ऑप्शन चूज करना है, कोई भी मॉडपैक इंस्टॉल करो करेंट पाथ पे मुझे चूज करना होगा, तभी भाई यहाँ पे सही से भाई काम होगा। ऑलराइट, सो आ चुका मैं पोजाव लॉन्चर के अंदर। तो यहाँ से मैं ऐसे करके भाई क्रिएट न्यू प्रोफाइल करूंगा, और प्रोफाइल होगा फोर्ज पे। यस, तो फोर्ज पे वाला प्रोफाइल बनाना है एंड देन भाई वर्सन चूज कर लें 1.12.2। अगर इसके नीचे वाला वर्सन होगा तो वो भी चूज कर सकते हो। ओके, तो ये जो अपना वाला वर्सन है इसको मैंने चूज किया, अब एडिट करने वाला हूँ। तो एडिट करने के लिए बस मुझे यहाँ पे भाई इसको एडिट करना है। यहाँ पे मैं प्रोफाइल दे सकता हूँ कस्टम, और अपने कस्टम कंट्रोल्स भी डाल सकता हूँ। यहाँ पे मैंने इसका नाम दे दिया है, और यहाँ पे मैं प्रोफाइल पिक्चर भी यहाँ पे सेट कर देता हूँ। ओके, तो सारी चीज़ें यहाँ पे हो गया। अब जो मेन चीज़ है कस्टम पाथ, तो ये देख रहे हो जिस फोल्डर की मैंने बोल रहा था कस्टम फोल्डर, उसके अंदर पर जाते अपने हेक्सिट वाला फोल्डर मिल जाएगा, इसको सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट फोल्डर कर दो। ओके, तो ये यहाँ पे आ गया, काफ़ी इजी है। और यहाँ पे जो अपना रन टाइम है इंटरनल वाला डिफॉल्ट, और होली जीएसएल वाला ही हम लोग खेलेंगे होली रेंडर पे ही। और यहाँ पे जो अपना भाई मेमोरी एलोकेशन होगा उसको हम लोग रखने वाले हाफ पे, जितना तुम्हारे यहाँ पे शो कर रहा है उसकी हाफ पे रखना है, या तो तुम चाहो तो उससे थोड़ा कम भी कर सकते हो। ओके, तो अब मैं आ चुका अपनी वर्ल्ड पे, तो इजी बीजी आई मीन अपने मेनू पे, और ज़्यादा टाइम नहीं लेगा क्योंकि तुमने हाफ के आसपास तुमने एलोकेशन देख रखे हो, तो उसी हिसाब से ये लोड हो जाएगा। एंड देख सकते हो ये फुल्ली भाई खुल चुका है, अभी ये मॉडपैक ऑप्टिमाइज नहीं है तो यहाँ पे लैग तुम्हें दिखेगा। बाकी गाइस ये काफ़ी बढ़िया मॉडपैक है, इसको मैं जल्दी कंप्लीट करने वाला हूँ। अब इसको शेयर क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि भाई ये एक ट्यूटोरियल वीडियो है और इसमें भाई मैं कोई भी लिंक नहीं शेयर कर सकता, इसीलिए भाई तो मैं अपनी जितनी भी मॉडपैक डाउनलोड वाली वीडियो होंगे वहाँ पे मैं इंस्टॉल वाले ट्यूटोरियल को स्किप करूँगा। तुम लोग भाई इस वीडियो को देख के भाई कर लेना, ठीक है। तो आई होप तुम लोग समझ गए होंगे। एंड बाकी भाई मैं ये इसलिए बना रहा था क्योंकि बहुत लोगों को भाई इंस्टॉल करना नहीं आता था पोजाव पे, तो ये हो गया भाई ट्यूटोरियल। और इसी चैनल पे भाई मैं सारी चीज़ें डाल रहा हूँ क्योंकि ये मोनेटाइज है, अगर एक वीडियो डालूंगा तो उसका भी मुझे फ़ायदा है, एज भाई बिजनेसमैन माइंड, भाई हर चीज़ में भाई अपने को फ़ायदा चाहिए, टिपिकल बिजनेसमैन वाला माइंड है अपना। तो फिर मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।